अरे रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जो किट आपके पास आई है उसमें जो जो चीज़ें मौजूद होंगी, सबसे पहले तो रेजिन। रेजिन आपके पास इससे छोटे साइज़ में आया, ये 1.5 kg है, यानी लीटर आप इसको कह लें। ये वही रेजिन है जो आपके पास छोटी पैकिंग में आई है। इसके तीन साइजेज होती हैं, एक वो स्मॉल बॉटल्स में होती है, एक वो जो आपके पास आएगी, और एक ये वाली। मैं हमेशा बड़ी मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। रेजिन की क्वांटिटी हार्डनर से डबल होती है। आपके पास आएगी, आपको ज़्यादा इससे अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि इसके हमने 2 पार्ट्स लेने होते हैं और हार्डनर का हमने 1 पार्ट लेना होता है। इसको कैसे मिक्स करना है विंटर और समर में, थोड़ा सा हिसाब, थोड़ा अलग हिसाब होता है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करते जाऊँगी। दूसरी चीज़ आपके पास आई है सिलिकॉन सीलेंट। ये आपको पता है ये ग्लास को जोड़ने के लिए काम आता है, लेकिन मोल्ड चूंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर होंगे भी तो अभी स्टार्ट में आपको भी शायद इतनी जल्दी मिल ना सके, फ्यूचर में तो मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने मोल्ड्स खुद ही बनाएंगे। इससे ये होगा कि जो फ्री फॉर्म जियोड्स होते हैं या फ्री फॉर्म कोस्टर्स होते हैं, आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेज होती हैं कुछ, तो ये इसकी आउटलाइन बाउंड्री बना लेते हैं और उसके बाद हम रेजिन उसमें पोर कर देते हैं। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ आपके पास आएंगे ये बेसिस। ये वुडन की बेसिस है, इसमें रेजिन पोर करना आपको सिखाऊंगी। ये कोस्टर्स हैं, कोस्टर बेस। अच्छा, उसके बाद मोल्ड्स। आपके पास प्लास्टिक का मोल्ड इससे बड़े साइज़ में आएगा, ये छोटा है, ये अब बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, खत्म हो चुका हुआ था, तो उन्होंने बड़ा साइज़ आपको भेज दिया। इससे अच्छी क्वालिटी के मोल्ड जो होते हैं ये सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं। देखिए, ये सिलिकॉन है, ये रबड़ होता है जिसकी वजह से इसमें से निकलना बहुत आसान होते हैं और इसमें बड़ी फाइन क्वालिटी बन जाते हैं। इसमें भी ठीक बन जाते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन स्टार्ट में अगर आप ये बोले मोल्ड्स इस्तेमाल करती हैं और अगर आपको बिल्कुल भी रेजिन का आइडिया नहीं है, तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जो रेजिन अगर गलत क्वान्टिटी में मिक्स हो गई है या ख़राब हो गया है तो वो इस पर स्टिक कर जाती है, तो आपके ये जितने एक्सपेंसिव मोल्ड होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमने थोड़े से अगर चीप मोल्ड रख लिए थे आपकी किट में, कि अगर आपकी ये ख़राब हो भी तो आपको इतना नुकसान ना हो। ये भी वही मोल्ड है, ये प्लास्टिक बेस है, ये आपके भी प्लास्टिक बेस है। एक ये मोल्ड है, ये कोस्टर बेस, कोस्टर के मोल्ड है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट मोल्ड के पास अवेलेबल थे, लेकिन अब उनके पास ख़त्म हो चुके हैं। मेरे पास 3 या 4 मैंने मंगवाई थी अली एक्सप्रेस से, तो मेरे पास कुछ रह गए हैं। अगर किसी को चाहिए तो ये आप ले सकते हैं मेरे से, ये 1000 विद डिलीवरी है। अच्छा, उसके बाद कलर्स, कलर्स पे आ जाते हैं। एक है गोल्डन डस्ट, इसकी छोटी पैकिंग है और ये बड़ी पैकिंग है, सेम चीज़ है, बस फर्क ये है कि ये साइज़ में डिफरेंट होता है। ये भी हमारे इसमें यूज़ होगी। इसमें कुछ कलर्स हैं, दीज आर कॉल्ड मेकअप पाउडर्स। ये मेकअप पाउडर्स, इसमें थोड़े से पर्लिश लुक आती है, इसमें बहुत डार्क कलर्स नहीं होते, लाइक ब्लैक नहीं होता या बहुत नेवी ब्लू कलर नहीं होता, तो उसके लिए मैं एक्रेलिक यूज़ करती हूँ। इट डजेंट मैटर कि आप एक्रेलिक यूज़ करें या मेका यूज़ करें, डिपेंड करता है कि आपको कलर क्या चाहिए, आपकी अचीवमेंट क्या है। तो आपने, अगर आपको ब्लैक चाहिए तो मैं तो ये फिर एक्रेलिक यूज़ कर लेती हूँ। ये हर जगह लोकल मार्केट में अवेलेबल है, इसमें छोटा साइज भी होता है, बड़ा साइज भी होता है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है तो एक ब्लैक और ये नेवी ब्लू, क्योंकि सी बनाने के लिए ये दो कलर्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद वाइट, इसमें मेकअप पाउडर में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर वाइट भी अगर आपको लेना चाहें तो ये 3 कलर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेजिन में ज़्यादातर, अगर आपको सी वाला इफेक्ट देना है, क्योंकि बाकी जो कलर्स हैं इसमें वो अवेलेबल होंगे, ब्लू भी होगा, फिरोजी भी होगा, डिपेंड्स। उसके बाद ग्लिटर है, ये आपके किट में शामिल नहीं है, लेकिन नॉर्मली ग्लिटर सबके पास मौजूद होते हैं, नहीं तो आप ले भी सकते हैं। अभी इतना ज़रूरी नहीं है ग्लिटर का, क्योंकि हम अभी सिर्फ कलर्स पे काम करना सिखाएंगे, लेकिन जब जियॉर्ड होगा या बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप ग्लिटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से प्ले करते हो। ग्लिटर में 2 तरह के ग्लिटर होते हैं, एक ये बरी बड़ी ग्लिटर होते हैं, ये सबको आपका पता है इसका, ये भी मैंने वहीं से मंगवाई थी जहाँ से आपकी किट आई है, और दूसरे डॉट ग्लिटर्स होते हैं, ये थोड़े से थिक होते हैं। इनका तरीका इस्तेमाल करने का यही होता है कि रेजिन में मिक्स करके आपने इसको यूज़ करना, आपने इसको ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना होता, वो फिर बहुत फैल जाता है। वो तरीका मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको गाइड करती रहूँगी। एक और चीज़ है वेट स्केल, बहुत सी लड़कियों के पास वेट स्केल मौजूद है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे आपसे यही होता है कि आपके पास वेट स्केल है या नहीं, अगर नहीं है तो आप ले लें, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में। ये तो मैंने रेजिन के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ, केक के लिए मेरा सेपरेट पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास केक वाला भी है तो आप इसको क्लिंग रैप कर लें। अगर आपको लगता है कि मैंने किचन का यूज़ करें तो रैप कर लें, टिश्यू रख लें
उसके पर आप वेट कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा रेजिन का ये काफी मैसी हो गया है तो, लेकिन काम करता है ठीक है। इसके बाद है अच्छा, इसका सबसे वेट स्केल का सब्सटीट्यूट है मयरिंग ग्लास। मयरिंग ग्लास में ये होता है कि आप दो ग्लास बना ले, हाफ का और फुल का, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन बेहतर है कि आप स्केल यूज करें। इसमें यह है कि अगर आपको 5 ग्राम्स भी चाहिए या 100 ग्राम्स चाहिए तो आपको बहुत आसानी होती है इसके लिए। ग्लास में एक ही क्वांटिटी आप मैयर कर सकते हैं बार बार, या तो आपके पास सही स्केल्स वाला है तो वो आप यूज कर लें, अदरवाइज आई विल प्रेफर यू कि आप ये करें, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद है हीट गन। मैं हीट गन यूज करती हूँ, मेरे पास फ्लेम टॉर्च नहीं है। फ्लेम टॉर्च की जहां मुझे अच्छा, हीट गन का होता है इसमें ये, इसका जो फायदा वो ये है कि इसमें से जो हीट निकलती है बबल्स पॉप होते हैं और इसमें एयर ब्लो भी है, क्योंकि जब आप इसमें रेजिन को जब आप हीट देते हो तो वो फ्लो करती है, मतलब इसमें एयर उसमें फ्लो आ जाता है, यानी कि वेव्स का लुक दे देती है। लेकिन जो टॉर्च होती है ना, फ्लेम टॉर्च या आम लाइटर, वो आपकी रेजिन को मूव नहीं करता, रेजिन अपनी जगह पे स्टिल रहती है और उसमें से जितने बबल्स होते हैं वो पॉप हो जाते हैं। फिर आपको ब्लो देने के लिए हेयर ड्रायर यूज करना पड़ता है। हेयर ड्रायर तो आप लोगों के सबके पास मौजूद है, या तो आपके पास हेयर ड्रायर और ये लाइटर हो, या टॉर्च जो फ्लेम टॉर्च होती है, या हीट गन। ठीक है, अगर आपको दिल करता है कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें वेव्स वेव इफेक्ट आ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि रेजिन मूव करे, तो हीट गन बेस्ट है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपने कोई लाइन ड्रॉ की है और आप चाहते हैं कि वो मूव ना करे अपनी जगह से, तो इसके लिए आप लाइटर यूज कर लें। ठीक है, ये दो इसमें ये डिफरेंस होता है, लेकिन मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ हीट गन। और अगर मुझे चाहे, अगर सिर्फ बबल पॉप करते हैं और मुझे चाहिए कि मैं उसको मूव ना करूं रेजिन को, तो मैं ये वाला, ये जो लाइटर है फ्लेम वाला, ये मैं यूज करती हूँ। ये छोटा लाइटर भी होता है, ये नहीं आप यूज करेंगे, क्योंकि जब आप इसको ऑन करके रेजिन पे करेंगे तो आपकी अपनी उंगली, ये जो थंब है ना आपका, ये जिसे प्रेस करेंगे ये जल जाएगा। ये लॉन्ग नेक लॉन्ग टेल्ड जो होते हैं ना, ये वाले लाइटर बेहतर रहते हैं। सही होता है कि आपका हाथ नहीं जलता और आप रेजिन पे इजीली उसको बबल्स पॉप कर लेते हैं। इसके बाद हमें टेप चाहिए होती है कभी कभी, कुछ प्रोजेक्ट्स में हम, जैसे अगर हम लोगों ने कोस्टर बनाना है और हमने इसको फॉल नहीं देनी, तो ये मास्किंग टेप है, इसको आप साइड पे इसकी वॉल या बाउंड्री बनाने के लिए ये आप टेप लगाते हैं इस तरह से। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके हर वक्त घर में मौजूद होती हैं, इसलिए मैंने जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो ऐड करवाई, अदरवाइज आपकी प्राइस किट की प्राइस तो जितनी अच्छी चीज़ें डालेंगे उतना ही आपकी प्राइस राइज कर जाएगी। ये बेसिक चीज़ें थी किट की जो आपको हर हालत में चाहिए। इसके बाद अगर रेजिन खत्म हो जाती है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जाहिर है रेजिन ही यूज हो रही होती है बार बार, बाकी चीजें तो आपकी सीलेंट बहुत इनफ है, इतना ज्यादा है कि ये मुझे लगता है कि काफी काफी ज्यादा है। कलर्स और रेजिन, ये दो ऐसी चीजें जो खत्म हो सकती हैं। जाहिर आप जो बड़े प्रोजेक्ट करेंगे फ्यूचर में फॉर सेल पर्पज के लिए, तो आपको ये मंगवानी पड़ेगी बार बार, जैसे मैं, मुझे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली मंगवानी पड़ती है और सबसे मैक्सिमम साइज भी मिलता यही है 1.5 लीटर, तो ये मैं मंगवाती रहती हूँ। इससे मुतालिक आपको कोई भी चाहिए क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जल्दी।